नगर पालिका परिषद जामुल के नव निर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने सोमवार को विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान सभी पार्षद मौजूद रहे। इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व वरिष्ठ नेता राकेश पांडे, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, भिलाई भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जामुल पिछले 5 साल से विकास के नाम में कमी की जामुल है। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ विकास अवरुद्ध हो गया था। इसके पहले 10 साल हमारी सरकार रही, यहाँ पालिका में अच्छा काम हुआ और फिर से लोगों ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और ये विश्वास को हम खोने नहीं देंगे। अच्छी तरीके से काम करेंगे, जनता के दिल के हिसाब से, उनके मन के हिसाब से यहाँ का विकास कार्य होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जिस भी सोच के साथ जनता यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की है, उस जनता के मन को, उनके विश्वास को हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जामुल वासी, जामुल की जनता की प्राथमिकता यहाँ मूलभूत सुविधाएं की कमी है। अभी वर्तमान में आने वाले समय में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज का निर्माण हो रहा है। विगत 6-8 महीने में यहाँ कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है जामुल की जनता के लिए। और रोड अभी कुछ दिन में ही चालू हो चुका है। आने वाले समय में जो भी कार्य यहाँ कमी है, उस कार्य को, विकास को गतिशील करेंगे। हमारी पार्टी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस तर्ज में हम लोगों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन के लोग के साथ मिलकर, और मेरे साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जामुल पालिका में मुझे पहली बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मेरे साथ पुराने जो हमारे वरिष्ठ पालिका अध्यक्ष, 2 बार के पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्षद भी है, उनका अनुभव का लाभ मुझे मिलेगा और मैं उनके हिसाब से उनको साथ में लेकर विकास को गति देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। नए अध्यक्ष तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि हमारा जो नया अध्यक्ष है छक्का मारेगा जरूर। लोग चौका नहीं मार पाए, लेकिन इस बार हमारी सरकार है और भाजपा की सरकार है और ईश्वर भाई हमारे अध्यक्ष हैं, बिल्कुल चौका छक्का ही मारते रहेंगे पूरे 5 साल। आप देखिएगा पिछले 5 साल में जो विकास की गति थमी हुई थी, रुकी हुई थी, मतलब पूरा विकास थम सा गया था एकदम, लोग पूरा चक्का जाम हो गया, ये स्थिति था यहाँ का। वो भैया अब घूमना स्टार्ट होगा, आज से हमारे पदभार ले लिया है और आप देखेंगे ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। नहीं, मतलब है कि जो पूर्व पार्षद, पूर्व जो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा कोई काम नहीं हो पा रहा था और बहुत सारी बातें आ रही थी जी। पूर्व में तो अध्यक्ष तो पूरा निष्क्रिय रहा है, पूरा 5 साल विफल रहा है। आप हमने सत्ता था उनका, कांग्रेस का सरकार है यहाँ, उसके बाद भी एक काम दिखाने के लिए कि कोई काम नहीं है उनके पास। लेकिन आप बिल्कुल देखे, इस बार भाजपा की सरकार जामुल में है, हमारे ईश्वर भाई क्या कमल खिलाएंगे हर जगह, देखिए।